हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू व्लॉग। फाइनली हम छोटी ईद के व्लॉग के बाद आज हाजिर हो गए हैं बड़ी ईद के व्लॉग पर। तो टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा कुर्बानी का जानवर आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मंडी में क्यों नहीं व्लॉग बनाया, क्योंकि 3-4 साल हो गए हैं हम मंडी से जानवर नहीं लेते, हम पहले से ही मतलब दूसरे शहर से मंगवा लेते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि मंडी में जाना बड़ा मुश्किल काम है और टाइम निकालना भी बड़ा मुश्किल काम है और ऊपर से गर्मी भी बड़ी है। तो अभी हम चलते हैं, उसको देख के आते हैं कि वो इस वक्त कैसा है, क्या कर रहा है, फिर हम उसे घुमाने भी चलेंगे। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो चलते हैं। हाँ भाई, कैसे हो तुम? ठीक हो भाई? इसको खिला खिला के तगड़ा कर दिया हमने। चेक करो, जब पहले आया था तब थोड़ा पतला था, अब थोड़ा हो गया मोटा काफी। कुछ और खाना तो बताओ तुम्हारे लिए, कुछ और ले आते हैं। भाई मैं तो सोच रहा इसको तरबूज खिला देते हैं। हाँ भाई, तरबूज खाओगे तुम? तो अभी सुबह है, दोपहर के वक्त हमने इसको अंदर दूसरे घर में कर देना है। तो शाम के वक्त जो है ना, मैं अपने कजन को बुलाऊंगा, फिर अब मेरा भाई भी साथ आएगा, फिर हम इसे लेके निकलेंगे, घुमाएंगे इसको। भाई अभी हम इसे तरबूज खिलाने लगे हैं। पहली पास आने लगे तो भाई दोपहर के वक्त ये इस जगह पे खड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पर छाँव है तो यहाँ पे ना आराम से दिन निकल जाता है। रात के वक्त और सुबह के वक्त जब थोड़ी धूप कम होती है तब हम इसे घर के बाहर खड़ा कर देते हैं, रात के वक्त तो धूप होती ही नहीं। तो भाई इसको तरबूज डाल दिया हमने, तो अभी आराम से खाता रहेगा। इसको हम जो कुछ भी देना ये आराम से खा लेता है। इसको हमने आलू भी खिलाए हैं, इसको हमने टमाटर भी खिलाए हैं, चिप्स भी खिलाए हैं, पता नहीं बोतल भी लाई है या नहीं। अब तरबूज भी खिला दिया इसको हमने, तगड़ा कर दिया, क्योंकि अभी ये चीज़ें खा रहा है, बाद में हमने इसे खाना है। गाइस अभी हम अपनी गाय को बाहर घुमाने आए हैं। गाय कहते हैं कि बुल कहते हैं? गाइस अभी हम अपने बैरे को बाहर घुमाने आए हैं, ये देखो। मुझे डर भी बड़ा लग रहा है कि मैंने नहीं पकड़नी। वैसे मैं कोशिश कर दूं इसके पास जाने की, इसको हाथ लगाने की। मैंने हाथ लगा दिया। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। पहले ही मेरी तरफ देखने लग गया। ले ठीक हो, लगाना है, करनी है लड़ाई हमारे बैरे के साथ, करनी है लड़ाई। तो गाइस ये मेरा कजन जो है ये इसके साथ लेके जा रहा है। आपको डर नहीं लग रहा? नहीं। चलो जब मैं आपकी उम्र को हूँगा ना, मैं भी फिर लेके आऊँगा। अभी मैं बकरे लेके फिरूंगा। पिछले साल लेके फिरा था मैं। फाद भाई जाओ पकड़ो। डर गई हो? डर गई, डर गई, डर गई, डर गई, डर गई। मैं भी डर गया। ये कुछ नहीं कहेगा। देखा, फाइनली मैंने भी इसको पकड़ लिया। पता वीडियो बना, ये वीडियो सबूत है मेरे पास, मैंने पकड़ा इसे। 2 सेकंड की वीडियो बन गया, तो 2 सेकंड में क्या? The next day. Guys, finally, आज ईद का दिन शुरू हो चुका है। मेरी हालत इस वक्त बहुत ख़राब है, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही, क्योंकि मैं सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ। 3 बजे सोया था रात को और 5 बजे उठ गया हूँ। लेकिन मुझे लगता है इस दफ़ा हमारी सारी सो के गुजरनी है। लेकिन अभी हम ईद की तैयारियाँ करते हैं, आपको मैं उसके बाद मिलता हूँ। बूम, हम रेडी हो चुके हैं नमाज के लिए। तो अब हम पहले चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आके दोबारा व्लॉगिंग करते हैं। भाई नमाज़ पढ़ के हम फारिग हो चुके हैं और कसाई भी आ गए हैं, और अब हमारी गाय हमसे दूर जा रही है, देखते हैं। वेरा जीबा हो गया अब हमारा। तो गाइस फाइनली हमने सारा गोश्त जो है वो बांट दिया, अब जो सिर्फ रिलेटिव में देना है सिर्फ वो रह गया। इसके लिए हमने कूलर भी लगाया हुआ है और एसी भी लगाया हुआ है, ताकि गर्मी से ख़राब ना। A few moments later. तो अब आपको ना इसी व्लॉग में मैं आपको थोड़ा ना अपनी थोड़ी वीडियोस दिखा देता हूँ, ठीक है? इंजॉय करें। तेरे
फाइनली हमने सारा गोश्त भी बांट दिया है रिलेटिव में जाके, और उसके अलावा मैंने वीडियोस भी बना ली हैं। तो ईद का दिन जो है वो ऐसे ही ख़त्म हो गया है, कहीं बाहर जाना भी नहीं होता ईद के दिन, जाना भी हो तो रिलेटिव्स के घर ही जाना होता है, तो वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं बनाता। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ही एंड कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर हम दूसरे या तीसरे दिन कहीं गए, तीसरे दिन तो वैसे भी हमने रिलेटिव के घर जाना है, अगर दूसरे दिन भी कहीं अगर हम गए तो वहाँ पे मैं व्लॉग बना लूँगा, लेकिन आज का व्लॉग जो है मैं वो यहाँ पे ही एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी आपने ज़रूर लाइक करना। आगे जो है ना एक दो व्लॉग जो है ना तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर इसी महीने जो है ना बहुत कमाल के मेरे व्लॉग आएंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जो है आपने ऑन कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।